स्वागत है आप सबका हमारे चैनल प्रणति आईएएस में। आज मैं आप सबको वैदिक संस्कृति पर पहला सेट कराने जा रहा हूँ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला सेट का पहला क्वेश्चन, जो है वेदों को क्या कहा जाता था। तो मेरे ख्याल से आप सब जानते हैं वेदों को हम सब संहिता के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन है, वेदों का एक अन्य नाम भी है, वेदों का एक अन्य नाम भी है वो श्रुति है। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वीर योद्धा। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आइए पहले हम लोग चारों कथन को पढ़ लेते हैं। पहला है, वे संस्कृत बोलने वाले थे। दूसरा, वे घुड़सवारी किया करते थे। तीसरा, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे। चौथा, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, वे नगरों में निवास नहीं करते थे। तो इनका आंसर, इसका आंसर है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे प्रचलित फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को था। तो इनमें से सबसे प्रचलित फसल जो था वो था जौ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों का क्या नाम था। ठीक है, तो उनका नाम था श्रमण। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। अगला है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। इसका आंसर होगा ऋग्वेद। अगला हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही काल क्रमानुसार क्या है। तो आप सब जानते हैं, सबसे पहले आया था वेद, फिर आए थे ब्राह्मण, फिर आरण्यक और उसके बाद उपनिषद। तो इनमें से अगर ऑप्शन देखा जाए तो क ऑप्शन जो है वो सटीक बैठता है। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इसका आंसर है चार। कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेद त्रय कहे जाते हैं। तो इसका आंसर है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अगला है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। मुंडकोपनिषद। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है वो है सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन थे। प्रथम विधि निर्माता मनु थे। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। तो ये है श्रीमद् भागवत गीता। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, तो वो है गोधन। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में सूत्र का उल्लेख पहली बार किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट, और सर ने आप लोगों को बताया है कि 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख किया जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है, आप सभी जानते हैं 18 पुराण हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी। तो प्रकृति की उपासना वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण था। अगला है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में विजेंद्र शब्द का प्रयोग किया गया। ये आप लोगों को सर ने बोल बताया था कि इंद्र के लिए किया गया है प्रयोग। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। शुल्ब सूत्र जो है जैमिति से संबंधित पुस्तक है। अगला है, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है। तो ये जो उक्ति है यह ऋग्वेद से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में सोमपाल शब्द का प्रयोग किया गया। सोमपाल, इंद्र। सोमपाल क्यों, क्योंकि इन्होंने सोमरस का सेवन किया था। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है। वेदों को अपौरुषेय इसलिए किया कहा जाता है क्योंकि इनकी रचना देवताओं द्वारा की गई थी। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है उलुक कणाद।
अगला है मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन थे। ठीक है, तो इन पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जो थे वो बादरायन थे। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो इनका आंसर, इसका आंसर जो होगा वो बादरायन होगा। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जो थे वो जैमिनी थे, जैमिनी थे, और वेदांत के बादरायन थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो ये 9वां मंडल है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, इस पे सर ने काफ़ी बार कहा है ये परुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला है निम्नलिखित में किस वेद को आयुर्वेद उपवेद है, उपवेद कौन सा है, तो ये है इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसका आंसर जो है वो होगा ऋग्वेद। अगला है निम्नलिखित में किस वेद का धनुर्वेद उपवेद है, धनुर्वेद जो होता है वो यजुर्वेद से संबंधित है। अगला है गंधर्व वेद किसका उपवेद है, तो गंधर्व वेद जो है वो सामवेद का उपवेद है, क्योंकि ये गंधर्वों द्वारा सामवेद में क्या है, गायन से संबंधित है। निम्नलिखित में किस वेद का शिल्प वेद उपवेद है, वो है अथर्ववेद। अब आगे बढ़ते हैं, गायत्री मंत्र देवी सवित्रु को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है, तो इसका आंसर है ऋग्वेद। अगला है न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। वेदांत दर्शन को प्रचारित किया था किसने, वेदांत दर्शन को प्रचारित किया था बादरायन ने। अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन भी आया था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, वो पतंजलि हैं, आप लोग ये तो ज़रूर से जानते होंगे, पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं, दर्शन पर अवस्थित, दर्शन पे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो हम लोग पहले मिलान करके देखते हैं। तो ऐसा देखा जाए तो यजुर्वेद किससे संबंधित है, यजुर्वेद जो है वो संबंधित है स्रोत एवं प्रार्थनाएं से। ठीक है, सामवेद किससे संबंधित है, सामवेद संबंधित है तंत्र मंत्र है वशीकरण से। अथर्ववेद किससे संबंधित है, कर्मकांड से। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, क। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में वर्णित नदी कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर सिंधु है। किसका प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है, काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, तो ये यम और नचिकेत, यम और नचिकेत सर ने भी कई बार बताया है, इसका उल्लेख जो है कठोपनिषद में मिलता है। वैदिक नदी श्रुवास्तु जिसको स्वात नदी आजकल कहते हैं और स्वात घाटी कश्मीर में है, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, तो अभी अफगानिस्तान में है जहाँ से आवागमन होता है सैनिकों का। निम्नलिखित में किस वेद का ब्रह्म अध्येता या पुरोहित है, ये काफ़ी बार डिस्कस हुआ है एंड आप सबको पता होगा अथर्ववेद। अगला है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, और इसका उत्तर है अतरंजी खेरा। अब अतरंजी, अगला क्वेश्चन, अतरंजी खेरा कहाँ अवस्थित है, अतरंजी खेरा हमारे बिहार में अवस्थित है, बिहारवासी भी नहीं जानते होंगे लेकिन जानना जरूरी है, बाहर को तो, बाहर के लोगों को तो और ज़्यादा। निम्नलिखित में किस वेद को वेद का होत्री अध्येता या पुरोहित है, होत्री किसका होगा, आप सबको पता होना चाहिए, इसका आंसर जो होगा और इसका आंसर जो है वो है आपको इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऋग्वेद आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में किस वेद का उधर्व्यू अद्वेता या पुरोहित है, तो इसका आंसर आप सब जानते हैं, यजुर्वेद। तो आज का ये सेशन यहीं ख़त्म होता है
और आप लोगों से अनुरोध है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर अपना अंक बताएं कि आपको कितने अंक प्राप्त हुए, और साथ ही साथ अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें, सर आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे। और आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल प्रणति IAS और इंस्टाग्राम पेज पे ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें और ज्वाइन करें। धन्यवाद।